नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लोहरतारा मोहनसराय 6 लेन का लेटेस्ट अपडेट दिखाने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों हम लोग जो है बौलिया तिराहे के पास है, और ये जो आप जो रास्ता देख रहे हैं, एक आगे आपको लोहरतारा की तरफ चला जाएगा और एक जो है शिवपुर फुलवरिया वाला जो 4 लेन है उधर वो चला जाएगा। और ये देखिए, अब हम लोग ये अपना सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं। और ये भी देखिए, इधर का जो बौलिया के पास जो मार्केट है, उधर साइड आपको दोनों साइड से अब देख रहे होंगे जो मिट्टी की जो खुदाई होनी थी वो हो चुकी है। और आपको जो बीच में जो पड़ने वाले बिजली के खंभे हो गए, धार्मिक स्थल हो गए, मंदिर, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी धीरे धीरे शिफ्ट होंगी। और फिर आपको बता दें कि इसके बाद गिट्टी भी छाई जाएगी। गिट्टी भी इधर की साइड जो है आगे बहुत दूर तक देखिए बीत चुकी है, आप इधर देख रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो 6 लेन सड़क बन रही है मोहन सराय से स्टार्ट होगी, और यह 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है 6 लेन है, और 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है 4 लेन बन रहा है वो लोहरतारा साइड। और इसके निर्माण में दोस्तों लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होने वाले हैं, और टोटल डिस्टेंस आपको जो है 11 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर हो रहा है। तो ये देखिए, और रोड की चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों ये जो 6 लेन का जो क्षेत्र है वो आपको 56 मीटर चौड़ा बनना है, यानी एक साइड 28 मीटर और एक साइड 28 मीटर। तो इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा रोड हो रहा है। और यह जो है आपको जो प्रयागराज से जो गाड़ियाँ आती है उसके लिए मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में यूज किया जाता है। तो ये देखिए, अब हम लोग दोस्तों धीरे धीरे आपको चांदपुर चौराहे के पास पहुंच रहे हैं। चलिए आपको उतर के पूरा अब हम कवर करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये चांदपुर चौराहा है, और यहाँ पे आपको मूर्ति बहुत सारी मिल जाएगी। मूर्तिकार लोग यहाँ पर अपना काम वाम कर रहे हैं देखिए। और ये देखिए चांदपुर चौराहा है, और बाएं साइड आपको ये रास्ता जो है आगे लोहता होते हुए अकेलवा की तरफ चला जाएगा। तो वो वाला भी रास्ता जो है 4 लेन बन रहा है, और इधर आपको ये मोहन सराय जा रहा है, उधर उधर ही आपको हम ले चलेंगे। और ये देखिए, इधर भी पूरा खोद उद के सब बराबर कर दिया गया, अभी पार्किंग के रूप में यूज किया जा रहा है, बस वो सब लगाया गया है। इधर भी गिट्टी उट्टी जब बिछाया जाएगा। तो इधर जो साइड है आपको आपको बता दें कि ये चांदपुर चौराहा जो मैं दिखा रहा था उससे आगे फिर आपको रोहनिया, इधर पूरा एकदम काम मतलब ये जो हटाने का काम हो चुका है, ये जो देख रहे हैं आप लंबे लंबे पेड़, इन सबको भी हटाया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगभग 4500 से ज़्यादा पेड़ हैं जिनकी कटाई होनी है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की कटिंग हो रही है, तो इसको लेकर के दोस्तों इससे ज़्यादा संख्या में जो पेड़ है लगाने का मतलब प्लान है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो PSC वाला जो गेट है यहीं पे है, और रोहनिया थाना देखिए, और इधर का देखिए, ये देखिए हैंडपम्प एक। तो ये सब अब धीरे धीरे शिफ्ट किया जाएगा। और ये देखिए, चलिए आपको थोड़ा इधर से मैं राइट करके पूरा दिखा दूँ अब। तो ये देखिए, अब जो जितने भी पेड़ हैं जो काटे जाने हैं सबकी मार्किंग की जा चुकी है, और बहुत जल्दी इसकी कटाई भी स्टार्ट हो जाएगी। इधर साइड देख रहे होंगे खाली पेड़ पेड़ बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। इधर का भी आपको दोनों साइड खुदाई का काम जो है वो हो चुका है, देख रहे हैं काफ़ी मतलब ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा रोड। बनारस के जितने एंट्री गेट्स हो गए, एंट्री पॉइंट जो हो गए, सब पे इस समय तेज़ गति से काम चल रहा है। तो ये देखिए इधर का, ये अभी का लेटेस्ट अपडेट, ये देखिए काफ़ी मतलब बिजी रूट है दोस्तों ये। इधर से आपको प्रयागराज जाने के लिए हाईवे पे ये रास्ता मिलता है मोहनसराय के पास, ये देखिए।
और दोस्तों इसकी जो कंपनी है जो इस पे काम कर रही है उसका नाम CSIL है, और कंपनी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है बनारस के लिए। ये देखिए अब हम लोग जो है रोहनिया जो मार्केट है उसमें एंट्री कर चुके हैं। चलिए आपको मैं एक जगह का काम दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये JCB से आपको यहाँ पर खुदाई की जा रही है, और नीचे मैं आपको बता दूँ कि पेयजल का मतलब पानी का पाइप है जिस वजह से आपको आराम आराम से ये काम किया जा रहा है। कुदाल से खन के पहले मिट्टी उधर किया जा रहा है, फिर इसकी सहायता से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों आगे आपको मोहन सराय की तरफ भी काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, वो आपको मैं किसी और दिन कवर करके दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।